हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जो कोई भी आपकी तपस्या भंग करेगा वो आपके आंखें खोलते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। इस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है। तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। सगर, आप अश्वमेध यज्ञ करना नहीं चाहेंगे? जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। क्या आप उस यज्ञ की पूर्ति नहीं चाहते? नारायण 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 देवेंद्र, मैं दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति का साधन सोच रहा हूँ। मेरे 60,000 नाती अब मेरी सेना होंगे और उस सेना को लेकर मैं अयोध्या पर आक्रमण करूंगा। मैया देखिए देखिए, अश्वमेध का अश्व समस्तीपुर नगरी में चला गया है। माता, मैं अश्व को पकड़ने का अर्थ आपको ज्ञात है? अश्वमेध के अश्व को छोड़ दीजिए आप, नहीं तो यह अयोध्या नरेश का अपमान माना जाएगा और हमें आपको। तुम मुझ पर आक्रमण करोगे? आक्रमण! महाराज समस्तीपुर, आज से आप समस्तीपुर के राजा नहीं अयोध्या के बंदी हैं। बिना अश्व के हम अयोध्या नहीं लौट सकते। पृथ्वी पर नहीं तो हमें अश्व को रसातल में ढूंढना होगा। वो रहा अश्व, और वो रहा अश्व को चुरा कर लाने वाला चोर, जो हमें देखकर झूठ मूठ की समाधि में बैठ गया है। पहले इस चोर को बांध कर पीटना चाहिए। पीटना क्या होता है, यहीं मारकर उसकी समाधि बना देते हैं। ये काम मेरा गधा करेगा। ठहरो नंदन, ये यश हमें कमाने दो। नारायण नारायण। ओम बृहस्पति स्वाहा। Yeah.
जो कोई भी आपकी तपस्या भंग करेगा वो आपकी आंखें खोलते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। इस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। यज्ञ का ध्वस्त होना शुभ का संकेत नहीं होता। गुरुदेव, अशुभ घटित हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? पिताश्री, ये सत्य है। तुम्हारे 60,000 भ्राता सकुशल तो है ना? नहीं पिताश्री। गुरुदेव, राजकुमार असमंजस सत्य कह रहे हैं महारानी। आपके 60,000 पुत्र अब नहीं रहे। नहीं, नहीं। अपने आप को संभालिए महारानी। संभालिए अपने आप को महारानी। अश्वमेध के अश्व की रक्षा करते हुए वो मृत्यु के मुख में चले गए हैं। नारायण नारायण। मैया, आपके पृथ्वी लोक पर अवतरण की गणना अब प्रारंभ हुई है, परंतु उसके लिए 60,000 सगर पुत्रों की मृत्यु। ये आपका माँ का हृदय बोल रहा है देवी, परंतु ऐसे निर्माण कार्य में खड़ी होने वाली बाधाएं कठोर हृदय से दूर करनी पड़ती हैं, जिसका उत्तम उदाहरण है 60,000 दक्ष पुत्र। और जब निर्माण कार्य पूर्ण होता है तब उस निर्मिति को प्रगति पथ पर लाने के बारे में भी सोचना पड़ता है। देवी, आपका पृथ्वी लोक पर होने वाला अवतरण पृथ्वी लोक की प्रगति का संकेत है। आप जब जलरूपा होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगी तब पृथ्वी लोक की धरती आपके जल से सुजलाम सुफलाम होगी। आप पृथ्वीलोक वासियों के लिए सुखदा हो और मुक्तिदायिनी भी होगी।